सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन, थैंक यू। हेलो समाना विक्रम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। सो आज मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi के Mi 10 के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्पेसिफिकेशन तो कमाल की है, फोन एकदम कमाल का है, आपको कुछ भी नहीं, वीडियो को एंड तक देखना है। आप एंड तक देखेंगे ना तो इसके स्पेसिफिकेशन आप जानेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे, ऐसे भी इसके स्पेसिफिकेशन हैं। ये एकदम फ्लैगशिप से भी मतलब उससे ऊपर वाला कोई आता है तो वो फ़ोन है, ये फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है ये Xiaomi का Mi 10, Mi 10 Pro। मैं आज बात करने वाला हूँ Mi 10 Pro के बारे में, Mi 10 Pro की स्पेसिफिकेशन करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैमरे की, हर स्पेसिफिकेशन में शुरुआत कैमरे से ही होती है, तो इस Mi 10 Pro की शुरुआत भी कैमरे से ही करते हैं। इसमें आपको कैमरा तो 108 MP का रियर कैमरा मिल जाता है। सबसे पहली बात तो इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा मिल जाता है, एक होगा 108 MP का वो मेन कैमरा होगा और 48 MP का एक और कैमरा मिलेगा आपको, वो होगा सेकेंडरी सेंसर। और उसमें तीसरा कैमरा एक और मिलेगा आपको, वो होगा 12 MP का, वो होगा टेलीफोटो लेंस। और फाइनली चौथा कैमरा मिलेगा आपको 8 MP का, वो होगा डेप्थ सेंसिंग सेंसर। ये चार कैमरे हैं, तो 108+48+12+8 कमाल का फ़ोन होगा। रियर कैमरा तो कैमरे की लाइन लगी है ऊपर से, इतने बड़े बड़े लेंस इसमें लगे हैं, कमाल का फ़ोन हो सकता है। इसमें इसका सेल्फी कैमरा कितना होगा ऐसा कुछ इसकी तरफ से ऑफिशियल खबर आई नहीं, इसकी कुछ बताया भी नहीं गया तो सेल्फी कैमरा इतना होगा बोल के। अगर मैं मेरे अंदाजे कहूँ तो 32 MP का इसका सेल्फी कैमरा हो सकता है, यहाँ पर आप मान के चलो, मान लो 32 MP का ही होगा ऐसा समझ लो। इसकी ऑफिशियल खबर आती है ना, मतलब कुछ भी इसकी लीक्स आती है ना फ्रंट कैमरे को लेकर, मैं आपको टेक्निक में ज़रूर अपडेट कर दूंगा। अब फिलहाल इस स्पेसिफिकेशन में समझ लो 32 MP का इसका सेल्फी कैमरा होगा Mi 10 Pro का। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके स्क्रीन की, इसका 6.5 इंचेस की एक आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है, यहाँ पर कमाल की बात हो सकती है। कमाल की बात एक और है, 90Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आपको इसका मिल जाता है Mi 10 Pro का। स्क्रीन को लेकर भी कमाल का फ़ोन ये हो सकता है, कैमरे को लेकर ऑफिशियली कमाल का है ही, और स्क्रीन को लेकर भी कमाल का फ़ोन ये हो सकता है। आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, सब 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 कुछ इसमें कमाल के ही होने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की, इसमें बैटरी है 4500 mAh की बैटरी इसमें लगी है, और उसमें बॉक्स में ही आपको इस फ़ोन के साथ में आपको 40W का फास्ट चार्जर इसी बॉक्स में, मतलब इसी फ़ोन के बॉक्स में आपको मिल जाता है। और उसमें 66W का चार्जर भी सपोर्ट करता है, यहाँ पर कमाल की बात हो सकती है। और 66W का चार्जर तक ये सपोर्ट करता है, मतलब 20-25 मिनट में चार्जिंग फुल हो जाएगा। 66W की चार्जिंग से आप इसको चार्जिंग करेंगे तो 20 मिनट में फुल 0 से 100% मुझे ऐसा लगता है। वैसे आपके क्या कहना है नीचे को बता देना। और USB टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाता है चार्जिंग करने के लिए, ऑफिशियली भी चला है USB टाइप सी ही चला है, तो इस Mi 10 Pro में भी आपको मिल जाता है टाइप सी पोर्ट। तो अगर मैं बात करूँ इसकी सिक्योरिटी की, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और साथ में फेस अनलॉक का ऑप्शन भी होगा, वो कोई अलग बात है, वो भी मतलब स्मार्टफोन बजट में भी होता है फेस अनलॉक, ये फिलहाल आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। जैसे आप थंब रखेंगे अपने स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऊपर तो अनलॉक हो जाता है फोन, ये आप जानते हैं। मुझे सिक्योरिटी में ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के सेंसर को एक्सप्लेन करने ना थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे बता देता हूँ आपको थंब रख के। फिलहाल आपको मिल जाता है फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सिक्योरिटी में, और बाकी के पैटर्न पिन कोड वगैरह आपको मिल ही जाएंगे। और तो कमाल की बात एक और है, इसमें 5G भी होने वाला है, ये फ़ोन है ना सो कमाल का होने वाला है, बहुत लोग इसके लिए एक्साइटेड है। दोस्तों आप भी ये वीडियो देखने के बाद इसके लिए बहुत आप एक्साइटेड हो जाएंगे, 5G भी होने वाला है ये स्मार्टफोन Xiaomi का Mi 10 Pro। कमाल का प्रोसेसर होगा इसमें, वो भी प्रोसेसर में आपको बताऊँगा, कमाल का फ़ोन तो है ही। दोस्तों इसमें आपको 3 स्टोरेज ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक होगा 12GB+128GB रैम, तो 12GB है 12GB है, और एक होगा 12GB+256GB और एक है 12GB+512GB, यहाँ पर कमाल की बात हो सकती है। ऐसा भी एक ज़माना था दोस्तों 512GB नहीं 512MB स्टोरेज होता था, ऐसा भी एक ज़माना है, वो बीत गया, वो भी स्मार्टफोन में यूज़ किया हूँ, 512MB का स्टोरेज होता था। अभी आपको 512GB मिल रहा है, MB तो अलग बात, अभी इसमें आपको GB मिल रहा है, हायर वेरिएंट होगा सो 12GB+512GB और बेस वेरिएंट होगा 12GB+128GB। और अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर की, इसमें प्रोसेसर ना 5G का है, 5G मैं आपको बोला, लेकिन आप गेस करो कौन सा हो सकता है, गेस करो, मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊँगा प्रोसेसर इसका। आप जब तक
वीडियो एंड होने से पहले आप एक बार गैस करके नीचे कमेंट में बता देना इसका प्रोसेसर क्या होगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, इसका प्राइस है ना दोस्तों 12 GB प्लस 128 GB का प्राइस है 39,000 रुपीज़, और दोस्तों 12 GB प्लस 256 GB का प्राइस है 42,000 मतलब 42,000, और 12 GB प्लस 512 GB का 46,000 रुपीज़ मतलब 46,000। प्राइस भी अच्छा ही है और स्मार्टफोन भी अच्छा ही है, 5G है, ऊपर से 3 स्टोरेज ऑप्शंस मिलेंगे आपको, 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 108MP का रियर प्राइमरी कैमरा है, कमाल का फ़ोन हो सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी लॉन्च डेट की, दोस्तों इसकी लॉन्च डेट है ना अभी तक फिक्स नहीं हुई, तो देखेंगे इसकी लॉन्च डेट क्या होती है। वैसे आप एक्साइटेड हो गए क्या इस स्मार्टफोन के लिए, प्रोसेसर मैं आपको अब बता दूंगा, देखेंगे इसकी लॉन्च डेट कब निकल कर आती है। इसकी लॉन्च डेट निकल कर आएगी ना तो मैं आपको टेक्निक में ज़रूर अपडेट कर दूंगा, उसका आप इंतज़ार कर लेना। दोस्तों अब बात आती है इसके प्राइस की, नहीं प्राइस तो मैं आपको बता दिया। दोस्तों अब बात आती है इसकी प्रोसेसर को लेके, इसका प्रोसेसर है ना दोस्तों क्वालकॉम का है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है, कमाल का प्रोसेसर भी है, 865 प्रोसेसर है, 855 से ऊपर वाला 865 प्रोसेसर है इसमें, 5G है उसमें, 5G वाला प्रोसेसर है ही, और ऑफिशियली इसमें आपको 5G भी मिल जाता है। दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसा लगा Xiaomi का Mi 10 Pro नीचे कमेंट में बता ही देना, और आप इसके लिए एक्साइटेड हो गए क्या, और इसमें 10 Pro के आपको सबसे अच्छा कौन सा एक फीचर सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट में बता ही देना। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।